गरीब इंसान था, बहुत ज़्यादा गरीब था, यहाँ तक कि उसके फाके भी हो जाया करते थे। उसकी जो बीवी थी, उसकी वाइफ थी, प्रेग्नेंट थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसके यहाँ विलादत हुई, बच्चे की विलादत हुई। तो उसकी बीवी ने कहा कि घर पर तो कोई भी खाने की चीज़ मुहैया नहीं है, और ऐसी सिचुएशन है, ऐसा टाइम है, बच्चे की विलादत हुई है और हमें कोई चीज़ खाने को मैसर नहीं है कि जिसको खा लूँ तो ताकत आ जाए, उठ के बैठ जाऊँ। उसने कहा, मेरी शरीक हयात, आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। मैं जा रहा हूँ रिस्क हलाल के लिए और मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके लाता हूँ। बड़ा परेशान था, टेंशन में था, घर से बाहर निकल गया। रास्ते में जा रहा था, दरिया के करीब पहुँचा, दरिया के किनारे पहुँचा। एक मल्लाह अपनी कश्ती को लेके जा रहा था, सवारियां भर रहा था। तो उसने कहा, कोई मुसाफिर है तो आ जाए हमारी कश्ती में, बैठ जाए। ये शख्स था, इसने सुना तो उसी कश्ती में जाके बैठ गया। उस मल्लाह ने कहा कि भाई आपको कहाँ जाना है? इसने कहा, मुझे मालूम नहीं मुझे कहाँ जाना है। मल्लाह ने कहा, कैसा आदमी है, इसे मालूम ही नहीं कि इसको जाना कहाँ है। अरे भाई आपको जाना कहाँ है मुझे ये बताइए। कहा, यार मेरा दिमाग बहुत टेंशन में है, मेरे घर ये मामलात हैं, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, आज बच्चे की विलादत हुई है, खाने को कुछ भी नहीं है, जो वो खाए तो उसके ताकत आए तो उठ के भी बैठ जाए। बड़ा गरीबी है यार। अपना दुख उसको सुनाया, उसने कहा, आप परेशान मत हो, मैं आपको एक जगह छोड़ देता हूँ। कहाँ छोड़ोगे? कहा, बैठे रहो। वो मल्लाह कश्ती को लेके निकला, एक जगह पड़ी, उसने वहां पर कश्ती को रोका और उस आदमी का हाथ पकड़ा, कहा, चलो मेरे साथ। कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहा, बस खामोश रहो, चलो मेरे साथ। चलता गया, चलता गया, एक मस्जिद पड़ी, मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। उस मल्लाह ने कहा, देखते हो ये मस्जिद में कौन है? कहा, कौन है? कहा, यहाँ एक अल्लाह का वली मौजूद है, उसका नाम है मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह इसमें नमाज पढ़ते हैं, वो बहुत नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ करते हैं उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती हैं। और ये बात हकीकत है कि अगर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं और आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो आप नेक लोगों से दुआ करवा के देखें। आप नेक लोगों की बारगाह में जाएं, उनसे बोलें कि हज़रत हमारे लिए दुआ कर दें ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाए, हमारे हक में बेहतर फरमाए। कभी कभी हमारी दुआ कबूल नहीं होती लेकिन दूसरे लोग जब हमारे हक में दुआ करते हैं तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो नेक लोगों से दुआ करवाया करें। तो उस मल्लाह ने जाके मस्जिद के अंदर छोड़ दिया, कहा, जो भी तुम्हारी दिल की बात है, जो भी तुम्हारे दिल में है, हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उसके जान में जान आई। मस्जिद के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, अपनी पूरी दास्तान, पूरी फरियाद सुना दी, हुजूर मैं बहुत गम का मारा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर पे खाना भी नहीं है, मेरी बीवी इस सिचुएशन में है, बच्चे की विलादत हुई, खाने को कुछ मैसर नहीं है, हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे हक में दुआ फरमाएं। हजरत मारूफ करखी ने उसकी पूरी बात सुनी और पूरी बात सुन के कहा, अच्छा तुम यहाँ बैठो। उसे बिठाल दिया और आप नमाज में मशगूल हो गए, नमाज पढ़ने लगे। और अल्लाह ताला उन नेक लोगों के ज़रिए से अपने बंदों की ज़्यादा मदद फरमाया करता है कि जिनसे गुनाह नहीं होते, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो नेक वली होते हैं, और अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआएं करते हैं फ़ौरन कबूल होती हैं। अभी इधर हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह नमाज ही पढ़ रहे थे कि बारिश बहुत तेज़ी के साथ होने लगी, हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही थी। ये शख्स एक कोने में बैठा हुआ था, सोच रहा था कैसे क्या होगा। लेकिन अल्लाह के बंदे, नेक बंदे जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो उनकी दुआ रद्द नहीं होती। क्या देखता है कि बाहर किसी जानवर के बोलने की आवाज़ आई, तो झांक कर देखा एक घुड़सवार आया। घुड़सवार ने अपना घोड़ा वहीं बांधा और फौरन अंदर मस्जिद के दाखिल हुआ। इतने में हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह भी नमाज से फरागत हासिल करके बाहर निकले। ये शख्स हज़रत की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम किया, मुसाफा किया और अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैं एक ताजिर हूँ और मैं जब भी कोई तिजारत करता हूँ, कोई माल लाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नफ़ा होती है। इस बार मैं जब माल लाया, मैंने बेचा तो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, तो कुछ रकम आपकी बारगाह में लाया हूँ, 500 दीनार हैं हुजूर।
आपको पेश करने के लिए लाया हूँ, आप इनको कबूल फरमाएं, चाहे तो आप खुद खर्च करें और चाहे तो किसी जरूरतमंद को दे दें। हजरत मारूफ करके रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये शख्स जो बैठा हुआ है ना, ये इसको दे दो। उसने कहा हुजूर 500 दीनार हैं। कहा मुझे मालूम है 500 दीनार हैं, ये जरूरतमंद है, इसको दे दो। उसने कहा ठीक है हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। 500 दीनार जब इसको मिले तो खुशी के आंसू टपकने लगे और हजरत मारूफ करकी का शुक्रिया अदा करने लगा। हजरत मारूफ करकी कहने लगे कि मेरा शुक्रिया मत अदा कर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, अल्लाह ताला ने तुझे ये अपनी रहमत से अता किए हैं। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया, मुसाफा किया और वहां से रवाना हुआ। रास्ते में एक दुकान पड़ी जहाँ से उसका वो खाता चलता था, खाने पीने की सौदा, खाने पीने का सामान वहाँ से जाता था। तो उसी दुकान पर जाके वो थैली रखता है और कहता है मेरे भाई जितना भी आज कर्जा मुझ पर आ गया है ना आपका, सारा का सारा कर्ज ले लो, जितने भी पैसे मुझ पे हैं ले लो अपने और बाकी का मुझे सामान दे दो। उसने कहा भाई इतनी ज़्यादा रकम आप कहाँ से लाए, आप कोई काम नहीं करते, आपका कोई काम नहीं होता। उसने कहा भाई ये सब मत पूछो। उसने कहा नहीं बताना पड़ेगा, मुझे बताइए। तो उस शख्स ने पूरी दास्तान सुनाई और कहा अल्लाह ताला की मुझ पर आता हुई है कि मुझे इतने पैसे आता हुए, मुझे 500 दीनार मिल गए, मैंने अल्लाह से तवक्को, मैंने अल्लाह से उम्मीद लगा के रखी थी और एक अल्लाह के नेक बंदे से मैंने दुआ करवाई, उसकी दुआ फौरन कबूल हुई। दुकानदार, वो दुकान का मालिक कहने लगा भाई ये पैसे अपने पास रखो, जितना भी कर्जा है तुम पे, जितने भी पैसे मेरे तुम पे जाओ, मैंने सब तुम पे माफ़ किए हैं, बस मेरे लिए दुआ कर देना। क्योंकि उसे भी मालूम चल गया था, क्योंकि अगर अपनी दुआएं कबूल ना हुआ करें तो नेक लोगों से दुआ करवाया करो, दूसरों से दुआ करवा के देखो। उसने कहा भाई मैंने तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दिया और सुनो मेरे यहाँ से सामान ले जाओ, आज तुम्हारा जो भी सामान जाएगा सब मेरी तरफ से फ्री है। वो बहुत खुश हो गया, उसने दाल चावल आटा और भी कई चीज़ें उसको दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर आया, बीवी बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया, बीवी को खिलाया, जान में जान पड़ी, बीवी उठ के बैठी खुशी खुशी में, पूछने लगी ये सब कहाँ से आया। तो उसने बताया कि वो उसने सारा कर्जा माफ़ कर दिया, ये सब खाना उसने फ्री दिया है, ये सब चीज़ें उसने फ्री दी हैं, क्योंकि वो पैसों वाली बात अभी इसने बताई नहीं थी, अगर पैसों वाली बात बताते तो खुशी में मर जाती वो। सुबह हुई, रात में ये लोग सो गए, सुबह उठे तो इसने पूरी दास्तान बताई कि कैसी अल्लाह ताला की अता इस पे हुई है। तो जो भी बंदा अल्लाह की तरफ लौ लगाता है, उम्मीद अल्लाह ताला से रखता है तो अल्लाह ताला उसे बहुत नवाजता है। आजमाइश अल्लाह की तरफ से जब आ जाए तो बंदा उसमें पूरा उतरे, जब बंदा अल्लाह की आजमाइश में पूरा उतरता है तो फिर अल्लाह ताला उसे ऐसे ही नवाजता है और इतना नवाजता है कि उसके दामन कम पड़ जाते हैं, अल्लाह की अताओं से उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। फिर इसने उन्हीं पैसों से कुछ ज़मीनें खरीदी और अपना खुद का कारोबार करने लगा, अपना खुद का बिजनेस करने लगा। अल्लाह ताला ने इसे बहुत अता किया और बहुत ज़्यादा मालदार बन गया।